वीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khaled. रॉ में रहकर भारत को धोखा। फिल्म वॉर में जिस तरह से रॉ एजेंट खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी देश को धोखा देकर दुश्मनों से मिल जाते हैं, कुछ उसी तरह से असलियत में भी रॉ की हिस्ट्री में कुछ ऐसे एजेंट्स आए जिन्होंने अपने फायदे के लिए देश से गद्दारी की और दुश्मनों से हाथ मिला लिया। 2007 में कोर्ट को दिए गए एक एफिडेविट में रॉ ने इस बात का खुलासा किया कि रविंदर को न्यू जर्सी में स्पॉट किया गया है। ये भी माना जाता है कि इस दौरान रविंदर ने अमेरिका में शरण के लिए सुरेंद्रजीत सिंह के नाम से आवेदन दिया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से उस अपील को मंगवाया ताकि ट्रायल कोर्ट उस पर पुनर्विचार कर सके। लेकिन आज तक इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ सामने नहीं आया जो ये बता सके कि सुरेंद्रजीत सिंह रविंदर सिंह का ही उपनाम है। इसके अलावा इस बात का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि रविंदर यूएसए या यूरोप गया था या नहीं। भारत सरकार के सोर्सेस का मानना है कि रविंदर यूएसए के मैरीलैंड में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। रविंदर यूएसए में एज ए रेफ्यूजी रह रहा था। जब से सीआईए ने उसे पैसे देना बंद कर दिया तब से उसे पैसों की तंगी हो गई थी। रविंदर इसके बाद से कहीं का नहीं रहा क्योंकि सीआईए ने उससे फायदा उठा लेने के बाद उसे उसके हाल पे ही छोड़ दिया। इसके अलावा रविंदर ने अमेरिका में शरण लेने के लिए जो कोर्ट में अपील की थी उसे भी यूएसए इंटेलिजेंस ने रोक दिया। और तो और सीआईए के एक पूर्व अधिकारी द्वारा चलाई जा रही थिंक टैंक यानी कि एक इंस्टीट्यूट में रविंदर ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस पर भी यूएस इंटेलिजेंस ने रोक लगा दी। बुश का ही दौर था जब रविंदर को अमेरिका की तरफ से पासपोर्ट का इंतजाम करवाया गया था। कई रॉ एजेंट्स ने अपने द्वारा लिखी गई बुक्स में कहा है कि रविंदर एक एवरेज रैंक के ऑफिसर थे। शुरुआत में उन्हें पाकिस्तान में चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंपस की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद उन्हें वेस्ट एशिया और हॉलैंड में तैनात किया गया और उन्हें सिख की हरकतों पे नजर रखने को कहा गया। रविंदर ने जब सीआईए के लिए काम करना शुरू किया तो उसके बिहेवियर में अचानक आए बदलाव को देख इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ गए। जांच करने के बाद पता चला कि रविंदर ने सीआईए के अपने एक हैंडलर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कई अलग अलग तरह के ईमेल्स का प्रयोग किया और करीब 600 ईमेल्स भेजे थे। रविंदर को पकड़ने के लिए रॉ द्वारा जबरदस्त तैयारी की गई थी। रविंदर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगा दिया गया। फोटोकॉपी की मशीन में भी एक बग लगा दिया ताकि जब भी रविंदर किसी भी पेपर की कॉपी निकाले उसकी एक कॉपी उस सिस्टम में ही स्टोर हो जाए। इसके अलावा उसकी कार में भी हिडन कैमरा और माइक लगा दिया गया था, साथ ही उसके घर में भी एक हिडन कैमरा लगा दिया गया था। तब जाकर रविंदर की गद्दारी सबके सामने आई। तो ये थी रॉ के एक एजेंट रविंदर सिंह की कहानी जिसने अपने फायदे के लिए भारत की जानकारी अमेरिका तक पहुँचाई थी। वॉर 2 में भी हम ऐसे एंटागोनिस्ट को देख पाएंगे जो भले ही लुथरा और खिलाड़ी के टीम से होगा लेकिन खुफिया एजेंसी की सारी जानकारी बाहरी दुश्मन तक भी पहुंचाएगा। ऐसा कैरेक्टर कहानी में एक अलग लेवल का ट्विस्ट लाने का काम करेगा।